हेलो एवरीवन, सो आज मुझे मिरर ग्लेज डेकोरेशन करना है केक में। सो मैंने न्यूट्रल जेल लिया है, ठीक है। सो न्यूट्रल जेल का कंसिस्टेंसी कैसा होना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा केक में डालना है, उस हिसाब से आप कंसिस्टेंसी बनाइए। थोड़ा इसमें पानी मिला दीजिए, ओके, देन इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। जितना चाहिए आपको उतना ज़्यादा आप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें हम लोगों को कलर ऐड करना है। आपको जो भी कलर चाहिए आप वो कलर ऐड कर दीजिए। सो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर ऐड कर रही हूँ, 2 to 3 ड्रॉप्स आपको जितना चाहिए। ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा दे दीजिए, लाइट चाहिए तो थोड़ा कम दे दीजिए, ओके। सो मुझे और थोड़ा डार्क करना है, सो और थोड़ा दे दिया कलर। सो मुझे न्यूट्रल जेल और थोड़ा ऐड करना है। मुझे कंसिस्टेंसी थोड़ा और ज़्यादा हैवी चाहिए और थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने और थोड़ा ऐड कर दिया है। कलर भी और थोड़ा ऐड कर रही हूँ। सो यहाँ पे आ गया केक जो हम लोगों ने फ्रिज में सेट कर लिया है। 1 आवर जैसा आपको फ्रिज में सेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो जेल है सो ऊपर में मैंने डाल दिया। सो एक्चुअली क्या होता है, जेल का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, सो इसलिए मैं जितना कम हो सके उतना जेल यूज़ करूँगी। सो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा आप देते हो तो एक बार में हो जाता है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं देना है, टेस्ट अच्छा रखना है, जस्ट लुक्स अच्छा करना है, इसलिए मैं थोड़ा दे के देन पैलेट नाइफ से इसको धीरे धीरे करके मिला दूँ दे रही। कहीं पे अगर छूट गया है तो थोड़ा पैलेट नाइफ में लेके उसको आप मिला दीजिए केक में, ओके। सो क्या होता है ना, ज़्यादा देने से आपका इजीली आपका कवर हो जाएगा, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं आता। सो जितना हो सके कम यूज़ कीजिए, बस लुक्स अच्छा आने के लिए तो ज़्यादा बेटर है। सो यहाँ पे थोड़ा हम लोग मेल्टेड चॉकलेट ले लिया है। अभी पैलेट नाइफ से मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इस टाइप से हम लोग स्प्रेड कर देंगे। सो क्या होता है, इसका लुक्स एक अलग ही लुक्स आता है, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। सो ये मैंने ले लिया है चॉकलेट्स डेकोरेशन के लिए, इस शेप का मैंने लिया है, हार्ट शेप का डेकोरेशन करने के लिए, ओके। सो इस टाइप से आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आप कुछ भी शेप ले सकते हैं। सो मैंने ये शेप में ले लिया है, हार्ट शेप में, जिसका लुक्स बहुत ही अच्छा आता है। सो अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना मत भूलिएगा, तो जितना भी मेरा वीडियोस आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। बाय बाय।